हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी टूशन क्लासेस सो गाइस अब हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो गया मीन्स पहले हम क्लास सेवन्थ का करते थे एंड अब हम क्लास एट्थ का करेंगे सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टिंग एंड गाइस अगर आप अभी भी चाहते हो मैं क्लास सेवंथ का पोस्ट करती रहूँ सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो लेट्स स्टार्ट सो गाइज हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैथ का रेशनल नंबर्स सो गाइज लेट्स सी नंबर्स क्या होते हैं सो गायज रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि पी वाई क्यू फॉर्म में होते हैं मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं जिसमें क्यू जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता मीन जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता एंड जो हमारे पी एंड के होते हैं मीन जो हमारे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर होता है वो दोनों इंटीजर्स होते हैं ठीक है सो गर्स हमने सेवंथ में भी रेशनल नंबर्स का चैप्टर किया है ये चैप्टर नंबर नाइन था हमारा सेवन्थ में सो so अभी चैप्टर नंबर वन है सो गर्स रेशियल नंबर्स क्या होते हैं पता है हमें कि रेशियल नंबर्स पी वाई के फॉर्म में होते हैं जिसमें के कभी भी जीरो नहीं हो सकता एंड पी एंड के दोनों इंटीजर्स होते हैं सो गर क्यू जीरो क्यों नहीं हो सकता देखो अगर आप टू अपॉन ज़ीरो लिखो सो so जब भी आप इनको डिवाइड करोगे टू जीरो को डिवाइड करोगे तो क्या आपको कोई आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा बट अगर आप ज़ीरो अपॉन टू को डिवाइड करोगे तो आपके पास एक आंसर आ रहा है जीरो ठीक है आपका सिख आंसर आ रहा है जीरो सो so मीन्स अगर आप टू अपॉन ज़ीरो करोगे मीन्स अगर आपका पी में टू है पी में अगर आपका मैं ऐसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ अगर आपका क्यू ज़ीरो है ठीक है तो वो उसका डिवाइड करके कोई आंसर ही नहीं आएगा बट अगर Q अगर पर अगर आपका न्यूमिनेटर जीरो हैंड Q हैं, में एक वैल्यू है ठीक है ज़ीरो भी एक वैल्यू है बट ज़ीरो नहीं कोई और वैल्यू है जैसे टू ज़ीरो पॉइंट टू है तो उसका एक आंसर आ रहा है हमारे पास ज़ीरो ठीक है सो इसलिए देखो जो Q है वो कभी भी आपको कोई आंसर ही नहीं देगा पता चल गया जब आपको क्यू कोई आंसर ही नहीं दे रहा ज़ीरो ओके okay? जबकि वो ज़ीरो होता है एंड कोई आंसर नहीं देता मीन्स तो उधर जो P है जो Q है वो कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा कुछ भी नहीं ठीक है सो मीनस टू अपॉइंट जीरो नॉट बी डिफाइंड एंड बट जीरो आंसर जीरो ओके पता चल गया रेशन नंबर्स क्या होते हैं वो तो मैं पहले ही पता बट Q जीरो क्यों नहीं होता वो भी पता चल गया ठीक है सो so गाइज चलो अब रेशन नंबर्स तो हमें पता चल गया क्या होते हैं सो गायस अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हमने पहले भी पढ़ी है सो so गाइज उन्हीं को डिस्कस करते हैं सबसे पहले मैं आपको उन प्रॉपर्टीज के नाम बताती हूँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सो गाइज प्रॉपर्टीज हमने पहले भी पढ़ी हैं सो so इन्हीं को हम रिकॉल करेंगे एंड इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे सो गाइज हमारी फर्स्ट टू एक्सरसाइज ना बहुत ज़्यादा ईजी है सो गाइज इस चैप्टर में ऐसे बिन ही तो है ही दो एक्सरसाइज है एंड दोनों बहुत ज़्यादा ईजी हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी लगे बट उसको भी अगर हम समझ के अच्छे से करेंगे ना तो हो जाएगा हमें ठीक है एंड बाकी के सारे क्वेश्चन जो इतने ज़्यादा इजी ना उसमें समझने की भी ज़रूरत नहीं है आपको ठीक है आपको बस उसमें निकालना ही है कुछ समझना है ही नहीं उसमें ठीक है उसमें मतलब हाँ समझने वाला है ये नहीं बोल रहे बिल्कुल ही नहीं समझ रहे हैं कुछ हाँ समझने वाला है बट ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा समझने वाला है वो बहुत ईजी चीज़ है जो भी उसके बाद बहुत ईजी है सो गाइस बेसिकली चैप्टर ही बहुत ईजी है हाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पार्ट समझोगे ना आपको थोड़ा सा माइनस प्लस में थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगी बट जब उसको आप अच्छे से समझ लोगे ना उसको समझोगे क्यों ऐसा होगा क्यों वैसा होगा देन जब आप नेक्स्ट पार्ट खुद करोगे ना वो भी बिल्कुल सेम है नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चल जाएगा क्यों ऐसा हमें करना था हमें ऐसा करना था वैसा करना था देन आप उसको ईजिली खुद निकाल सकते हो देन फिर आपको वो भी ईजी लगेगा सो so स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा एंड देन फिर उसके बाद आपको ईजी लगेगा बट जो बाकी क्वेश्चन है ना वो तो आपको ट्रिकी लगेंगे नहीं वो इतने ज़्यादा ईजी है ना वो आपको ट्रिकी लग ही नहीं सकते सो so गाइज सबसे पहले हमने रेशन नंबर समझ लिया क्या होता है अभी आ जाते हैं हमारी प्रॉपर्टीज पे so सबसे पहले स्क्रीन देन फिर आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज पे सो so गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारी प्रॉपर्टीज पे सो गैस हमारे फर्स्ट हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सो गाइज हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है अगर आप ए इंटू बी करोगे या बी इंटू ए करोगे ठीक है ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू इसका क्या मतलब है कि मतलब अगर आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर आपका सेम ही आएगा ठीक है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ही है ए इंटू बी करो या फिर बी इंटू ए करो क्या फर्क पड़ रहा है ठीक है ए इंटू बी करोगे तो भी वही आंसर आएगा बी इंटू ए करोगे तो भी वही आंसर आएगा और प्लस के केस में भी वही होता है अगर आप ए प्लस बी करोगे तो भी सेम आएगा अगर बी प्लस ए करोगे तो भी सेम आंसर आएगा अब ऐसे समझ नहीं आ रहा ना तो चलो एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम ठीक है अगर आप ए को टू मान के चलो एंड बी को थ्री मान के चलो सो तो अगर आप टू इंटू थ्री करो या थ्री इंटू टू करो आंसर तो आपका सेम आएगा ना अगर टू इंटू थ्री करोगे सिक्स आएगा थ्री इंटू टू करोगे तो भी सिक्स आएगा तो कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा फर्क ठीक है सो मीन अगर आप ए इंटू बी करो एम बी इंटू ए करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आंसर सेम ही आएगा ठीक है फिर एडिशन केस में भी सेम है अगर आप टू प्लस थ्री करो या थ्री प्लस टू करो आंसर तो फाइव ही आना है ठीक है तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी में यही है कि अगर आप फर्स्ट टर्म को सेकंड में भी फर्स्ट टर्म को सेकंड की तरफ शिफ्ट कर दोगे या सेकंड को टर्म को फर्स्ट की तरफ शिफ्ट कर दोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आंसर आपका सेम ही आएगा बट मैं ये माइनस एंड डिवीजन के केस के में नहीं बोल रही हूँ मैं किसके केस में बोल रही हूँ मल्टीपिकेशन एंड एडिशन के केस में ओके okay, किसके केस में है ये मल्टीपिकेशन एंड एडिशन ओके मल्टीपिकेशन और एडिशन के केस में ही ये सब होता है ठीक है सो गाइज अब देखो अगर आप मल्टीपिकेशन में ए इंटू बी कर रहे हो या बी इंटू ए करो क्या फर्क पड़ रहा है ठीक है अगर आप ए जैसे हमने बोला टू एंड बी बोला थ्री है अगर आप टू इंटू थ्री करोगे या फिर थ्री इंटू टू करोगे आंसर तो सेम तो ही आएगा ना ठीक है आंसर तो आपको सिक्स ही आएगा बट देखो क्या होगा इसमें आप टर्म्स चेंज कर रहे हो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी जब आप अप्लाई करोगे ना तो उसमें भी यही चीज है जब आप फर्स्ट क्वेश्चन करोगे ना आपको तब भी समझ आ जाएगा ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या था बेसिकली ठीक है so, सो एम्टीफिकेशन में ये होगा ए इं टू बी इक्वल टू बी इन ए अगर आप ए इंटू बी करो मींस टू इन थ्री करो तो भी सिक्स आएगा अगर आप बी इंटू ए करो मींस थ्री इंटू सिक्स करो थ्री इंटू टू करो तो भी सिक्स ही आएगा सो so, दोनों केसेस में मीन्स सिक्स ही आएगा दोनों केसेस में मीन्स इक्वल करके सेम ही आंसर आएगा एंड एडिशन के केस में भी सेम है ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं टू प्लस थ्री ठीक है ए प्लस बी करोगे तो टू प्लस थ्री मीन्स फाइव बी प्लस ए करोगे तो क्या होगा थ्री प्लस टू मीन्स फाइव आंसर तो सेम ही आए ना बस आपने क्या किया ए टर्म को बी वाली साइड कर दिया बी टर्म को ए वाली साइड कर दिया बस बाकी आंसर तो आपका सेम है टर्म आपकी सेम उसमें वैल्यू आपकी सेम रहेगी आंसर आपका सेम रहेगा ठीक है बट ये किसकी केस में होता है सिर्फ मल्टीपिकेशन एंड एडिशन में ही कभी भी सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न में ये सब काम मत कर देना ये पूरा ये इधर जम इधमेला मत कर देना कुछ भी आके सिर्फ ये मल्टीपिकेशन एंड एडिशन के केस में करना सबट्रैक्शन एंड डिविजन से इसकी दुश्मनी है तो उनको पास में मत लाना पास लाओगे तो फिर वो लड़ाई करेंगे और एक दूसरे का एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे फिर राज्य छीनेंगे एक दूसरे का बस वही करेंगे ना तो बस मल्टीफिकेशन एंड एडिशन में ही रहते हैं सबट्रैक्शन और डिविजन से दुश्मनी है इनकी देखो अगर आप सब में करोगे सिक्स माइनस थ्री करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर सिक्स में से थ्री लो तो कितना आएगा थ्री पर थ्री में से सिक्स निकाल सकते हो आप छोटे में से बड़ा निकाल सकते हो नहीं ना बड़े में से छोटा निकाल सकते तो हो तो मीन्स उसमें होगा नहीं मीन्स दुश्मनी अब डिवीज़न में करोगे तो आंसर ही उल्टा आएगा सो मीन्स डिवीज़न के साथ भी दुश्मनी रखी हुई है yes, इसने अपनी दोनों के साथ मीन्स इसने दुश्मनी अपनी बरकरार रखी है देखो अगर आप सिक्स को डिवाइड करोगे थ्री से मीन्स अगर आप सिक्स को mm, देखो अब अगर आप सिक्स को थ्री को, को आप सिक्स को आप डिवाइजर की जगह पे रखोगे एंड थ्री को डिविडेड ठीक है सो so, क्या होगा थ्री को बीच में रखोगे सिक्स को बाहर रखोगे तो क्या होगा जीरो से स्टार्ट होगा आंसर जीरो पॉइंट कुछ आएगा आंसर बट लेकिन आप थ्री को बाहर रखोगे सिक्स को अंदर रखोगे तो थ्री टू जो सिक्स ईजिली हो जाएगा डिवाइड ठीक है so, मींस आंसर अलग आएंगे मीन्स इसने डिवाइजन के साथ भी दुश्मनी किया है अब दोनों पास में आएंगे तो गलत होगा आंसर ठीक है मींस दुश्मनी होगी दुश्मनी होगी तो आपका आंसर गलत आएगा और कुछ नहीं होगा इनके बीच में ना ही झगड़ा होने वाला है ना ही किसी का राज्य छीनने वाले हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आंसर आपका ही गलत आएगा सो इसलिए एंड एडिशन के साथ ही करो ये एंड एडिशन के साथ दोस्ती है ना कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी की एंड एंड डिवीजन के साथ दुश्मनी बन गई है थोड़ी क्योंकि आंसर गलत आते हैं फिर दुश्मनी बन जाती है थोड़ी सी हमारी तो so, इसीलिए वो दूर ये पास है एंड एडिशन साथ में इनके दोस्त हैं इनके मतलब ये दो दोस्त हैं ना इनके पास कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी बड़ा भाई और उसके दो छोटे छोटे भाई ठीक है मल्टीफिकेशन एडिशन सो इन्हीं में होता है मल्टीफिकेशन क्या होता है ए इं टू बी इक्वल टू बी इन एडिशन में होता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी ठीक है मीन्स क्या होता है सी पोजिशन चेंज होती है बाकी सेम रहता है ठीक है पता चल गया सो so, गैस कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी यही है अब आ जाते हैं हमारी एसोशिएटिव प्रॉपर्टी पे पहले आप स्क्रीन शॉट ले लो सो so गाइस चलो आ जाते हैं हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर सो गाइस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में ही होती है एंड डिवीजन में नहीं होती है ठीक है सो so गाइस अब चलो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन का कर देखते हैं हम ठीक है इसमें क्या होता है इसमें तीन टर्म्स होती हैं इसमें हमें पता है बेसिकली इसमें क्या है तीन टर्म्स है चाहे आप ए और बी को पहले कर लो सॉल्व या फिर बी और सी को पहले सॉल्व कर लो इसमें से कुछ फर्क नहीं पड़ता ठीक है मीन्स आंसर सेम ही आएगा इसका मतलब है कि अगर आप ए इंटू बी इंटू सी करोगे ठीक है मीन्स पहले अगर आप ए इंटू बी को सॉल्व कर लोगे उनका जो आंसर आएगा देन फिर आप उसको सी के साथ सॉल्व करोगे तो उसका आंसर किसके इक्वल होगा ए मतलब देखो अगर आप ए इंटू बी को पहले सॉल्व कर रहे हो एंड सी को बाद में सॉल्व करो उनके साथ ठीक है जैसे आप ए इंटू बी ले रहे हो टू थ्री ज टू और थ्री ले रहे हो इसको ठीक है टू थ्री जै सिक्स फिर इसको आपने फोर लिया सिक्स को सा ट्वेंटी फोर ठीक है जैसे आप पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लो देन आप सी के साथ आओ ठीक है तो वो किसके इक्वल e होगा चाहे आप बी और सी को पहले सॉल्व कर लो ए के साथ बाद में सॉल्व करो आंसर आपका सेम ही आएगा ठीक है एडिशन में भी सेम केस है ए प्लस बी को पहले सॉल्व कर लो देन सी के साथ कर लो या फिर बी प्लस सी को पहले सॉल्व कर लो देन ए के साथ कर लो आंसर सेम आएगा ऐसे समझ नहीं तो कोई बात नहीं हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ रहे हैं देखो ए को हम लेंगे टू बी को लेंगे थ्री सी को लेंगे फोर ठीक है सो so, इसमें हमने क्या किया ए इंटू बी ए इं टू बी मीन्स टू इंटू थ्री फिर सी की वैल्यू क्या है फोर हमने फोर पुट कर दी इधर भी हमने सेम पुट किया नीचे भी एडिशन केस में भी हमने सेम वैल्यूज पुट की सो so, अब सोल्व करो ठीक है अगर आप टू जा पहले कर लोगे टू थ्रीजा सिक्स ठीक है मीन्स आपने ए प्लस बी को सॉल्व कर लिया अब आपको जो ए प्लस बी का ए इंटू बी का आंसर आया है उसको आपको सी के साथ सॉल्व करना है ठीक है तो भी आंसर सेम ही आएगा ठीक है टू थ्रीजा करोगे सिक्स आएगा सिक्स इंटू फोर करोगे ट्वेंटी फोर आएगा ठीक है बट अगर आप इन उसकी जगह बी और सी को पहले सॉल्व कर लो देन उसको ए के साथ करो मीन्स पहले बी इंटू सी लो बी इंटू सी कितना आएगा फोर्थ इजा ट्वेल्व ठीक है फिर ट्वेल्व को बाद में आप टू के साथ कर लो तो भी तो ट्वेंटी फोर ही आएगा मीन्स इसमें आप क्या कर सकते हो इसमें आप दो टर्म्स को पहले कर सकते हो मल्टीप्लाई ठीक है आपकी वैल्यू सेम है ठीक है वैल्यूज आपकी सेम रहेंगे आपके जो साइंस हैं वो सेम रहेंगे बस क्या होगा पहले आप ए इंटू बी को ले लो या फिर आप पहले बी इंटू सी को ले लो ठीक है आंसर आपका सेम ही आएगा बट आप इसमें आए कि आप पहले किस टर्म को ले रहे हो वो आपके ऊपर है आप चाहो तो पहले आप ए इंटू बी को भी ले सकते हो एंड आप चाहो तो आप पहले बी इन सी को भी ले सकते हो ठीक है एडिशन में भी सेम है तो आप पहले अगर आप ए प्लस बी करोगे मीन्स टू प्लस थ्री करो क्या आएगा टू प्लस थ्री आ जाएगा आपका फाइव फाइव प्लस फोर कर दोगे क्या आ जाएगा नाइन बट अगर आप उसी की जगह पहले थ्री प्लस फोर करो क्या आएगा फाइव सिक्स सेवन ठीक है सेवन को फिर टू के साथ करो आ जाएगा नाइन ठीक है आंसर क्या आ रहा है आपका नाइन चाहे आप ऐसे करो चाहे वैसे करो ठीक है इसमें क्या है आपकी वैल्यू सेम रहेंगे आपके साइन सेम रहेंगे बस क्या होगा वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पहले ए इंटू बी को सॉल्व करो या बी इंटू सी को सॉल्व करो ठीक है पता चल गया इसमें बस आपको पहले दो टर्म्स को सॉल्व करना होते हैं देन फिर थर्ड पे जाना होता है पता चल गया जब इसका क्वेश्चन आएगा देन आपको समझ आ जाएगा ठीक है अभी लास्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो देन फिर आ जाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे सो so गाइस चलो अब आ जाती है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी पे विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सो इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीफिकेशन के केस में होती है ठीक है और किसी के केस में नहीं होती है एडिशन में भी नहीं होती ये सिर्फ मल्टीफिकेशन में होती है ठीक है तो इसमें क्या है ए बी प्लस थ्री ब्रैकेट में होगा ठीक है तीन टर्म्स होंगी ए बाहर होगा एंड बी प्लस थ्री ब्रैकेट में होगा इसका क्या मतलब है जो ए है वो बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड ए सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है एंड जो ए इंटू बी होगा एंड ए इंटू सी होगा जो भी उनका समय आएगा वो प्लस होंगे आपस में ठीक है देखो जैसे अब पूरे फॉर्मूले को पढ़ो ए इंटू बी ठीक है प्लस ए इंटू सी ठीक है जो मीन्स वो ए इंटू बी का जो आंसर आएगा एंड ए इंटू सी का जो आंसर आएगा वो प्लस हो जाएंगे आपस में ठीक है so, सो अब वैल्यूज ले लेते हैं ए को हम टू लेंगे बी को हम थ्री लेंगे एंड हम सी को लेंगे सिक्स सो गाइस देखो ए आ जाएगा बाहर एंड मीन्स जो टू है हमारा बाहर आ जाएगा एंड थ्री एंड सिक्स अंदर आ जाएंगे ब्रैकेट में ठीक है फिर हम क्या करेंगे टू इंटू थ्री भी करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है ए इंटू बी एंड ए इंटू सी सबसे पहले ए इंटू बी करते हैं मीन्स टू इंटू थ्री देन फिर हम प्लस का साइन डालेंगे देन हम क्या करेंगे ए इंटू सी मीन्स टू इंटू सिक्स ठीक है सो so, अब इसको मल्टीप्लाई करो टू थ्री जा सिक्स टू सिक्स जॉ ट्वेल्व अब क्या करना है हमें इसको प्लस करना है इन दोनों क्वेश्चन को हमें साथ में प्लस करना है सो जब हम इनको प्लस करेंगे आपस में तो क्या आंसर आएगा हमारे पास एटीन सिक्स प्लस ट्वेल्व इज एटीन ओके समझ आ गया सो गाइस हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यही थी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यही थी डिस्ट्रीब्यूटिव मीज अलग थी कॉम्पिटेटिव अलग थी एसोसिएटिव अलग थी हमने तीनों पढ़ ली एंड गाइस अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है सो जल्दी से कमेंट करो एंड वीडियो पसंद आ रही है सो जल्दी से लाइक कर दो एंड गाइस बस हमारे दो ही टॉपिक बचे हैं हम समझने के लिए सो so, उनको भी हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं एंड एक्सरसाइज है हम अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे ओके okay? सो so, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट एंड फिर हम आ जाते हैं अपने एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे सो so, गैस चलो पढ़ते हैं एडिटिव इन्वर्स सो गैस एडिटिव मींस एडिशन इनवर्स मींस उल्टा मीन्स एडिशन का उल्टा एडिशन का उल्टा क्या होता है सब ठीक है में, में होगी उसको हम में कन्वर्ट करेंगे और जो भी चीज़ हमारी में मतलब उल्टा एडिशन का उल्टा मतलब, क्या होता है सब्ट्रैक्शन ठीक है सो जब हमें एडिशन का उल्टा करने के बोला मीन सब्टन करना है उसमें हमें ठीक है ये नहीं पूरा सॉल्व वगैरह कुछ नहीं करना है इसमें हमें क्या कर रहे हैं जो भी हमारी एडिशन वाली टर्म होगी उसको हमें उल्टा करना है मीन सब में रैसी नहीं करना देखो अब मैं इसको एग्जाम्पल से बताती हूँ जैसे थ्री अपॉइंट ट्वेल ये क्या है पॉजिटिव रैशनल नंबर सो नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा इसी का नेगेटिव रैशनल नंबर माइनस थ्री अपॉइंट ट्वेल्व हमें वही करना है एडिटिव इनवर्स मीन्स हमें जो भी एडिशन की चीज होगी हमें उसको उल्टा कर देना है एंड देखो अगर आपको माइनस थ्री अपॉइंट ट्वेल्व दिए सो आपको थ्री अपॉइंट ट्वेल्व करना है एंड अगर आपको थ्री अपॉइंट ट्वेल्व दिए सो मीन्स आपको उसको माइनस थ्री अपॉन्टवेल्थ ये करना है ठीक है ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था सो तो अब बस वही चीज़ इधर भी है इस पिछली बार हमने मल्टीकेटिव इनवर्स नहीं पढ़ा था तो इस बार हम वो भी पढ़ेंगे ओके सो तो ये मल्टीकेटिव इनवर्स भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसमें क्या करें मल्टीफिकेशन ठीक है मल्टीप्लीकेटिव मीन्स मल्टीफिकेशन इनवर्स मीन्स उल्टा मल्टीफिकेशन का उल्टा क्या होता है डिवीजन ठीक है तो इसमें क्या होगा रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल होता है एंड एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है सिर्फ सप्रैक्शन वाले को एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं एडिशन वाले को सप्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं मीन्स मीन्स माइनस एंड प्लस के ही साइंस चीज आते हैं अगर कोई चीज़ पॉजिटिव रेशनल नंबर है एडिटिव इन्वर्स में अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर बन जाएगी अगर नेगेटिव रेशनल नंबर है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर बन जाएगी सो एडिटिव इन्वर्स में यही था सो so, अब आ जाते हैं मल्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे

उल्टा करें आपको पता क्या बोले इसमें मल्टीप्लीकेटि इनवर्स करो इसका थ्री अंट ट्वेल्व का मल्टीप्लिएटिव इनवर्स क्या होगा ट्वेल्व पॉइंट थ्री ठीक है एडिटिव इनवर्स में क्या होता है जो पॉजिटिव रेशन नंबर होते हैं वो नेगेटिव रेशन बन जाते हैं एंड जो नेगेटिव रेशन नंबर होते हैं वो पॉजिटिव रेशन नंबर बन जाते हैं एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या होता है रेसिप्रोकल ठीक है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में बस आपको इतना याद रखना है कि आपको उसका रेसिप्रोकल करना है जैसे थ्री अपॉइंट ट्वेल है तो ट्वेल्ल पॉइंट थ्री आ जाएगा टू अपॉइंट सिक्स है तो सिक्स अपॉइंट टू आ जाएगा माइनस थ्री ओ फाइव है तो फाइव ओपॉइंट माइनस थ्री आ जाएगा बट फिर इसमें क्या होगा ये जो माइनस का साइन जो डिनोमिनेटर में होगा वो न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और इसमें आपको कुछ करना नहीं है इसमें क्या बन जाएगा लास्ट में माइनस फाइव ओ थ्री ठीक है आपको सम्पड़ी देना है माइनस फाइव ओ थ्री बस क्या होगा नंबर्स चेंज होंगे गए साइन जहाँ पे वहाँ पे ही रहेंगे बस नंबर्स चेंज हो जाएंगे अगर कोई साइन डिनोमिनेटर में है तो बस आप उसको न्यूमिनेटर पर लिख दोगे न्यूमिनेटर के साथ कर दोगे ठीक है बस बाकी बिल्कुल सेम है सो गाइस हमारा यही था एडिटिव इनवर्स एंड यही था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स में पॉजिटिव रेशन नंबर नेगेटिव रेशन नंबर बनता है एंड नेगेटिव रेशन नंबर पॉजिटिव रेशन नंबर बनता है एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है एंड अगर माइनस का साइन डिनोमिनेटर में हो तो हम उसको न्यूमिनेटर के साथ लिख देते हैं बस और इसमें कुछ भी नहीं होता सो पहले इसलिए सो गाइस मैं जितना भी समझने वाला पार्ट था वो हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया एंड अब हमारी नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज ठीक है जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको एक्सरसाइज वन पॉइंट वन मिल जाएंगी सो गायल मीज इस चैप्टर के हम सिर्फ थ्री वीडियोज बनाएंगे एंड थ्री वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वो भी बहुत मजे से ठीक है आधे आधे घंटे की सारी वीडियोज होंगी उसमें बस आपको पूरा चैप्टर पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट मिल जाएगी इसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट मीन्स पूरा समझने वाला पार्ट कवर कर लिया एंड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पूरी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे एंड उससे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 ठीक है सो so गाइज इसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आएगा नेक्स्ट टू वीडियोज़ में सो गाइज सो आज की वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो पसंद आई है तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को दोबारा बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगी बाय एंड गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है ना उसको तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो बाय